इसी सेंटर से बड़ा दिलचस्प संयोग है कि मैंने, सुशील ने, मिथिलेश ने एक जगह से फॉर्म भरा, एक साथ फॉर्म भरा और तीनों को एक साथ एक सेंटर भी मिल गया। यह भी संयोग है। ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्या है ग्रेस मार्क्स का रूल, क्यों ये छात्रों को दिए जाते हैं, छात्रों की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फटाफट समझ लीजिए, समय की हानि क्राइटेरिया इसका आधार है। पेपर देने में टाइम लग गया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, व्यवस्थाओं में स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रेस अंक दिए गए हैं, इसको लेकर भी याचिका दायर की गई। उत्तर लिखने की क्षमता समेत कई और फैक्टर भी इसका आधार बताए गए हैं। इन सभी के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स रूल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बिना जानकारी के ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, छात्रों की तरफ से ही बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। इसके अलावा जिन सेंटर्स पर ग्रेस मार्क्स दिए गए उनका नाम सार्वजनिक किए जाने की बात भी सामने आ रही है। छात्रों ने पूछताछ, ग्रेस मार्क्स पाने का आधार क्या है, छात्र ये जानना चाहते हैं कि भाई इन्हें अगर ग्रेस मार्क्स दिए गए तो उसका बेस क्या है, आधार क्या है, कितना समय बर्बाद होने पर कितने नंबर दिए गए। 5 मिनट बर्बाद हुए थे, 10 मिनट बर्बाद हुए थे, 20 मिनट बर्बाद हुए थे। 2018 और 2015 में इस तरह के मामले आए थे, अदालत पहुंचे थे, उसके बाद ग्रेस रूल्स जैसी स्थितियां बनी थी। नीट के मामलों में अब सियासी मोड़ भी आ गया है। विपक्ष नीट को लेकर सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए, क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़कर परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए। हम अपने युवा साथियों के सपनों को यूं ही बिखरते हुए नहीं देख सकते, उनकी मेहनत के साथ सिस्टम द्वारा किया जा रहा ये अन्याय रुकना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। उधर राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा है कि शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से चल रहे इस पेपर लीक उद्योग से निपटने के लिए कांग्रेस ने एक रोबस्ट प्लान बनाया था। अपने मैनिफेस्टो में कानून बनाकर छात्रों को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया गया था। बहुत अच्छी बात है, राजस्थान पर भी कांग्रेस को थोड़ी बात कर लेनी चाहिए जब उनकी सरकार थी। इसके आगे वो लिखते हैं, आज मैं देश के सभी छात्रों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है, उनकी आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। ये तमाम बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए कही है। उठाना भी चाहिए, जहां जहां अपनी सरकार है वहां तो और जल्दी उठाना चाहिए। दर्शकों का भी धन्यवाद, नमस्कार।